Assalamualaikum students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका कल चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था. कल हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज की थी और होमवर्क में मैंने आपको वो एक्सरसाइज लर्न करने के लिए दी थी. तो आज हम करेंगे चैप्टर 9. चैप्टर 9 है फोर्स एंड वर्क. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या है और वर्क कैसे होता है. ठीक है, फोर्स में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या है, कोई ताकत है या पुल एंड पुश है. उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क क्या है. ठीक है, तो आज हम रीडिंग करेंगे. अपनी बुक्स का पेज नंबर 71 ओपन कर लें. आज हमने जो रीडिंग करनी है वो है बुक पेज नंबर 71 एंड 72. ठीक है, तो आप बुक पेज नंबर 71 ओपन करें और उस पर आज की डेट एंड डे मेंशन करें. ठीक है, डे में आप लिखेंगे सैटरडे और डेट में आप लिखेंगे 2 जनवरी 2021. और आपने बहुत अच्छे से इसको सुनना है, समझना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. फोर्स. You already know that push and pull are forces. आप लोग पहले से ही जानते हैं push और pull क्या है, forces हैं. ठीक है, अब push और pull क्या होता है आपको पता है, किसी चीज़ को खींचना या धकेलना. ठीक है, push क्या होता है, धकेलना, और pull खींचना. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, forces. When you push or pull something it moves. जब हम किसी चीज़ को push करते हैं या pull करते हैं तो वो हरकत करता है. ठीक है, like a door. ठीक है, अगर जो door है, दरवाज़ा है, उसको हम क्या करें, pull या push करें तो वो भी मूव करता है. When you throw a ball. जब आप कोई बॉल को थ्रो करते हैं, जैसे ये थ्रो कर रहा है, ठीक है, यू यूज़ फोर्स, तो हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं. व्हेन यू हिट अ मूविंग बॉल यू यूज़ फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन. जब एक बॉल मूव करती हुई हमारी तरफ आती है और हम उसे बैट के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं, लाइक ये जैसे कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या करता है, वो उसकी तरफ बॉल आ रही थी, जब बैट ने उसको हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, ठीक है, जब आपने उसको क्या किया, हिट किया, तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गई. When you stop a moving ball, you use force. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तब भी क्या हो रहा होता है, फोर्स यूज हो रही होती है. जब हम बॉल को बैट के साथ हिट करते हैं तब भी क्या हो रहा होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मतलब हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं. और जब कोई बॉल रुकती है, जब हम उसको कैच कर लेते हैं या फिर वो रुक जाती है, तो तब भी क्या हो रहा होता है, फोर्स यूज़ हो रही होती है. ठीक है, अब यहाँ पिक्चर्स में दिखाया है यू यूजिंग फोर्स टू मूव अ क्रिकेट बॉल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स को यूज़ करते हैं ताकि आ क्रिकेट बॉल को मूव कर सके. ठीक है, किसी बॉल को हम फेंकने के लिए कौन सी बॉल कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, हम पुश कर रहे होते हैं. ठीक है, उसको उसके बाद जब बैट से हम उसको हिट करते हैं तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब भी हम क्या करते हैं, फोर्स यूज़ करते हैं. और उसके बाद ये जो थर्ड पिक्चर है ये वाली, इसमें क्या है कि वो बॉल को पकड़ रहा है. ठीक है, तो जब उसने बॉल को कैच किया तो तब भी क्या हुआ, उसने फोर्स यूज़ करी, उसको वो मूव करती हुई इसकी तरफ आ रही थी, उसने उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स यूज़ की. पेज नंबर 72 पे आ जाएं. देयरफॉर फोर्स कैन मूव अ बॉडी. इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स क्या कर सकती है, मूव अ बॉडी, बॉडी को मूव कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, और क्या, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है. मूव अ बॉडी लाइक अगर हम कहें कि बॉल एक बॉडी है तो उसको मूव किया हमने, जब हमने उसको थ्रो किया, फेंका, उसके बाद चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, जब वो बॉल मूव करती हुई आ रही थी तो हमने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. हिट करना क्या है, फोर्स है. ठीक है, एंड स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और जब वो बॉल हमारी तरफ आ रही थी हमने उसको कैच किया तो वो क्या हो गई, वो रुक गई, हरकत करना रुक गई और वो स्टॉप हो गई. तो इसमें भी हमने क्या यूज़ किया, फोर्स यूज़ की. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पर देखें, हम जैसे देखें, अगर हम कोई मेटल्स वगैरह देखते हैं तो, या फिर वो आयरन की वो लंबे लंबे मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स से उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये बेंड कर रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ये एक रॉड सा है, तो उसको उसने उस पर क्या की, फोर्स अप्लाई की, और उसकी, वो पहले सीधा था, जब उसको बेंड किया तो उसकी शेप कुछ यूं हो गई. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो उस पर इस वज़न डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है, ताकत लगा रहा है, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो फोर्स थी, फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई या उसकी शेप बदल गई. ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्स. When you use your muscles to moving things, you use muscular force. अब हमने पढ़नी है फोर्स की टाइप्स. फोर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, आप पहले 3 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी क्या हैं,
फोर्स की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मस्कुलर फोर्स। वो कह रहे हैं जब हम अपने मसल्स यूज़ करते हैं, जब हम अपने मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, तो हम कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं? मस्कुलर फोर्स। लाइक अगर हम एक टेबल को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं। हम डोर को ओपन कर रहे हैं या फिर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओपन जब हमने किया, अपनी तरफ खींचा डोर को, तो हम कौन से अपने बाजू के मसल्स यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी तरफ लाने के लिए? तो ये कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। इसके अलावा अगर हम देखें, एनिमल्स यूज़ मसल्स फोर्स व्हेन दे यूज़ देयर मसल्स टू मूव अ लोड। वो कह रहे हैं जानवर भी अपने मसल्स यूज़ करते हैं जब वो क्या करते हैं, कोई वजन को पुल कर रहे होते हैं। इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, सबसे पहले वो ये दिखाया है कि वो कट कर रहा है, ठीक है, वो वुड को कट कर रहा है, तो इससे वो क्या यूज़ कर रहा है? अपने बाजुओं की मसल्स को यूज़ कर रहा है। तो ये फोर्स कौन सी हुई? मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको कट करने के लिए। इसके बाद हम ये देख सकते हैं, ठीक है, हम बीस्ट ऑफ बर्डन जैसे हम डंकी को कहते हैं, तो वो भी क्या है कि वो लोड को लेके जाता है, तो वो कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा होता है? मूव करने के लिए, ठीक है। अब ये इसको लेके जा रही हैं, ठीक है, तो इस तरह ये भी कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे हैं? अपनी फोर्स यूज़ कर रहे हैं, अपने मसल्स की फोर्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए, ठीक है, वज़न को उठाने के लिए या वज़न को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए। एनिमल्स भी अपने मसल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद है, व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, जब हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं हवा में, ठीक है, ऊंचाई में हम उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, इट कम्स डाउन, तो वो क्या होता है? नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो बॉल है वो हवा में रुक जाती है या ऊपर ही जाई जाती है, एक पॉइंट पे आके वो क्या होता है कि नीचे को आना शुरू हो जाती है? दिस इज़ बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेल्फ। इसको इसलिए ऐसा होता है कि जो बॉल है वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाती और एक टाइम के बाद वो नीचे गिर जाती है और ज़मीन पर आ गिरती है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि जो अर्थ है, ज़मीन है, वो कोई भी चीज़ उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, पुल करती है। एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या कर रही है? पुल कर रही है, खींच रही है। तो जब बॉल आसमान की तरफ हम फेंकते हैं, हवा में फेंकते हैं, तो ज़मीन क्या कर रही है? उसको अपनी तरफ खींच रही है। दिस पुल और फोर्स विच पुल ऑल थिंग्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जब कोई भी चीज़ या जो है हमने ऊपर हवा में फेंकी और वो ज़मीन में आ गिरी, ठीक है, ज़मीन पर आ गिरी, तो वो किस तरह हो रहा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करती है? जो चीज़ हम हवा में ऊंचाई में फेंकते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, और इस तरह वो चीज़ ज़मीन पर आ गिरती है। तो ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद है, अ मूविंग बॉडी स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हम कह सकते हैं कि जो मूविंग बॉडी है, लाइक हम बॉल की एग्जांपल देते हैं, जब बॉल को बैट ने हिट किया तो बॉल एक जगह पे आके रुक जाती है, ठीक है, जब वो मूव करती 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 एक टाइम पे आके वो रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? वो चलती क्यों नहीं रहती? मूव क्यों नहीं करती रहती? एक टाइम होता है वो आके रुक जाती है। क्यों वो रुक जाती है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। फ्रिक्शन किसको कहते हैं? रगड़ को कहते हैं, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को स्टॉप करना हो तो हम उसको किस तरह स्टॉप कर सकते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन वी रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, लाइक ये एग्जांपल दी है, ठीक है, ये बॉय क्या कर रहा है? बॉल को फेंक रहा है ज़मीन पर। इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, तो वो क्या होता है? जब हम एक बॉल को रोल करते हैं, फेंकते हैं ज़मीन पर, तो वो क्या होता है? एक टाइम पर आकर रुक जाती है, एक अरसे बाद रुक जाती है। द बॉल स्टॉप बिकॉज इट सरफेस रब्स अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द ग्राउंड। अब ऐसा क्यों होता है कि जो बॉल की सरफेस होती है वो ज़मीन की जो रफ सरफेस होती है उसके साथ रगड़ खाती है और वो एक टाइम पर रुक जाती है। द रफनेस ऑफ द ग्राउंड कॉज द बॉल मूवमेंट टू स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। तो जितनी ज़मीन में रगड़ होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा कि बॉल जल्दी स्टॉप हो जाएगी, और जितनी ज़मीन स्मूथ होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बॉल को स्टॉप करने के लिए। आपने कभी देखा होगा, अगर आप
अगर आप देखें कि आप कोई खुरदरी सी जगह लें, ठीक है, जिस पे वो रफ ज़मीन हो, और अगर आप देखें घर में भी करके इसको देखें तो आप उस पे बॉल फेंकेंगे तो बॉल फ़ौरन रुक जाएगी, लेकिन अगर आप कोई स्मूथ चीज़ लेते हो और आप उस पे बॉल फेंकते हो तो बॉल को क्या लगेगा, एक टाइम लगेगा स्टॉप होने, वो मूव करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और उसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी, जब तक रगड़ पैदा नहीं होगी बॉल स्टॉप नहीं करेगी, ठीक है, वो एक अरसे के बाद स्टॉप करेगी जब उसकी मूविंग ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टॉप करने के लिए। लाइक अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उनमें भी आपने देखा है वो जिगजैग बना होता है, डिज़ाइन बना होता है, वो इसलिए बना होता है कि वो रोड के साथ रगड़ खाकर जब हम ब्रेक्स लगाना चाहें तो वो ब्रेक्स लग जाती हैं, ठीक है, ताकि जो व्हील है वो मूव कर सकें उस रोड पर। अगर अगर टायर भी स्मूथ होते और रोड भी स्मूथ होता तो क्या होता, गाड़ियाँ उस पर फिसलना शुरू हो जाती, ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन पैदा करने के लिए गाड़ियों के टायर ऐसे बनाए गए। तो ये थी फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, आपका होमवर्क है डू रीडिंग बुक पेज नंबर 71 72 चैप्टर 9 फोर्स एंड वर्क। जो आज हमने क्लास में रीडिंग की है वही आपने होमवर्क में रीडिंग करनी है। थैंक यू।